दिलचस्प प्रसंग सुनाता हूँ। एक गरीब रबारी का लड़का होता है, वो रोज अपनी गाय और बकरियां चराने के लिए जंगल में लेके जाता है। और एक दिन वो दोपहर को खाना खा रहा होता है कि एक अनजान मुसाफिर आता है, बोलता है, भाई मेरे को भी कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे क्या? बोलता, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, अनजान है, फिर भी बोलता है आ जाओ। बोला, मेरी माँ ने एक रोटला दिया है, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। तो बोला, ठीक है, पहले दिन की बात है। दूसरे दिन दो मुसाफिर आते हैं, दो वापिस वही बोले, भाई हमको भूख लगी, हमारे पास खाने को कुछ है नहीं। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं, अपने मेरे माँ ने एक रोटला दिया, अपने तीन टुकड़ा कर लेते। वो तीन टुकड़ा कर लेता। तीसरे दिन तीन मुसाफिर आते, तो वो बोलता है, चार टुकड़े कर लो, तीनों अपने और चारों मैं खा लेता। चौथे दिन चार मुसाफिर आते, तो वो बोलता है कि ये रोटला है ना, चार टुकड़ा कर लो, आप खा लो, मेरी माँ शाम को मुझे खिला देगी, मेरी चिंता आप मत करो। वो चारों को खाना मिल गया, खाना खिलाते उसको उनसे प्रेम की बातें होने लग जाती। बोलता है कि भाई तुम्हें कौन छो, आप कौन हो, रोज मुसाफिर आप लोग बढ़ते बढ़ मेरे को बोलो, मेरी माँ मेरे को एक रोटला और दे देगी। अब बोले, हम नहीं बता सकते हम कौन है। बोले, नहीं नहीं बताओ तो सही। बोले, हम लोग यमदूत है, हम लोग यमदूत है। अच्छा। और नीचे किसी का प्राण लेने आते हैं, और तुमको बता देंगे तो तुम हमको कल से खाना नहीं खिलाओ। बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आओ, पर तुमसे हमारी अपनी प्रेम हो गया, तो मुझे मेरी मौत कब है मुझे बताओ, मेरी मौत कब है मुझे बताओ। तो वो बोलती है, कह भाई हमारे किताब में लिखा हुआ हम बता नहीं सकते। पर वो चार में से एक को तरस आ जाता है, बोला, यार तेरा खाना खाया है, तेरी मौत जिस दिन तू शादी करके आएगा और पहली रात जब अपनी पत्नी को मिलने जाएगा ना, उस समय तेरा सांप डसने से होगी, और जब तू सीढ़ी चढ़ रहा होगा तो वो सांप आएगा। वो बात चली जाती है, थोड़े दिन बाद इसकी शादी होती है, बारात जाती है, सुबह बारात जाके शाम को बारात घर आती है। और वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ने जाता है ना, तो वो सर्प वहाँ पे खड़ा होता है। वो जो यमदूत आया होता है, वो सर्प आँख में से पानी डाल रहा है। तो वो तीनों जो साथ में थे बोलते, रोता क्यों, अपना तो जॉब है ये। बोला, नहीं, इस आदमी ने हमको खुद भूखा रह के खाना खिलाया था, और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो बोला कि अभी अपना जॉब है। तो वो सांप और फिर बोलता है कि देख भाई, अभी आज मुझे तुझे डसना पड़ेगा। वो बोलता है, मेरी प्रियतमा ऊपर बैठी है, मुझे दो मिनट के लिए मिलने दे, फिर तू मुझे सांप से डस लेना, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ दो मिनट। वो बोलता है कि ये दोनों का वार्तालाप चल रहा है, वो उसकी प्रियतमा अंदर बैठी सब सुन रही है। उसके आंख में पानी आना चालू हो गया कि मेरी पहली रात और मेरा हस्बैंड आज मर जाएगा, और मैं इतना दूर से तो इसके लिए आया। और ये सब बातें चल रही है, तो उसकी जो प्रियतमा बैठी होती है उसके पीछे एक बड़ी खिड़की होती है, और खिड़की के पीछे से एक गर्भवती स्त्री जा रही होती है, और वो बहुत भूखी होती है। वो बोलती है कि हे कोई मुझे खाना खिला दो, मेरा पेट एकदम जल रहा है, और अंदर मेरा बच्चा है, और मुझे बहुत भूख लगी है। ये आवाज़ें ये प्रियतमा सुनती है, तो उसके घर पे जो भाता बोलते हैं ना, खाना उसकी जो माँ ने डाल रखा था, माना मिठाई वगैरह, बोलती है, अभी मेरा तो पति अभी चल जाएगा, मेरे कुछ काम का नहीं, वो अपनी साड़ी से उसको नीचे डाल दे। और वो जैसे स्त्री खोलती है, स्त्री खोल के वो सीधा एक एक मुंह में निवाला लेती है, एक एक जैसे वो मिठाई अंदर जाती है, उसके अंदर से निकलता है, अरे तेरा तेरा छुड़ा चांदला अमर रहे, तेरा छुड़ा चांदला अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। वो जैसे ही बोलता है, वहां के यमराज से वहां से आता है उसको सबको के बैक रिटर्न बैक। तो बोले, क्या? बोले, इसको इतनी तगड़ी दुआ मिल गई है कि मैं भी मार नहीं सकता। तो ये नए साल में जिंदगी में सबसे ज्यादा लोगों से दुआएं लेना, और जिंदगी में दुआ ही आपके काम आएगी।